यस बेटा ऋषभ, लेट स्टार्ट। यस मैम। इनको बेटा फिलअप्स हैं, इनको कंप्लीट करना है। स्टार्ट करते हैं। फिल द सेंटेंसेस विद करेक्ट प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस। तो चेंज ऑफ फॉर हम किसमें यूज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। द फर्स्ट सेंटेंस इज रहीम हैड बीन कुकिंग डैश 3 o'clock। तो क्या आएगा बेटा इसमें, सिंस या फॉर? सिंस, वेरी गुड। नेक्स्ट, रहेजा हैड डैश योर पर्स। हैड है तो हैड के साथ हम क्या लगाते हैं? थर्ड टेकन मैम। फॉर्म टेकन, वेरी गुड। नेक्स्ट, शी हैड बीन मेकिंग केक डैश 8 AM। एग्जैक्ट टाइम पीरियड हमें पता है। मैम सिंस। सिंस, वेरी गुड। ही डैश कोल्ड कॉफी इन द इवनिंग। रूटीन है उसकी, तो रूटीन के लिए हम कौन सा टेंस यूज करते हैं? अब सिंपल प्रेजेंट, तो क्या आएगा? ड्रिंक या ड्रिंक्स? ड्रिंक्स ड्रिंक्स, ड्रिंक्स। वेरी गुड। वरुण एंड हिज फ्रेंड्स डैश प्लेइंग बैडमिंटन फॉर 3 hours। हैज बीन मैम। हैज बीन। दे डैश टू ग्राउंड एट 7 AM। गो या गोज? मैम गोज। गो, क्योंकि दे जो है प्लूरल है ना, प्लूरल के साथ हम जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वह सेव ही रखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज नेहा डैश प्लेइंग गिटार फॉर 3 hours। हैड बीन मैम। हैड बीन, वेरी गुड। नेक्स्ट है, इसे बाद में करेंगे, ये वाला करते हैं पहले। सिंपल पास्ट फॉर्म यूज करनी है इसमें, सभी बच्चों ने आंसर देना है इसका। फर्स्ट इज सैम डैश हिज होमवर्क ऑन टाइम। सिंपल पास्ट में हम क्या यूज करते हैं? सिंपल वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो क्या आएगा बेटा इसमें? मैम फिनिश्ड। फिनिश्ड, वेरी गुड। नेक्स्ट, अमित डैश द डोर। ओपन्ड। ओपन। द कैट डैश ओवर द वॉल। जंप्ड। जम्प्ड। एज ही वॉज हंग्री आई ही डैश अ सैंडविच। वॉन्ट की सेकंड फॉर्म क्या होगी? Wanted. वांटेड My brother dashed to help me to solve the puzzle. क्या आएगा बेटा ट्राइड इसमें? Tried. ट्राइड। Tried. Next, complete the answer using the right form of the underlined words. Did Ali invite his friends for the party? क्या अली ने अपने फ्रेंड्स को इनवाइट किया था? Yes, he dashed them. क्या आंसर होगा? क्या कौन सी वर्ब की फॉर्म लगेगी कि उसने इनवाइट किया था? पास्ट में बताएंगे हम। तो क्या आएगा बेटा? इनवाइट का क्या बन He जाएगा? invited. इनवाइटेड, Invited. वेरी गुड। डिड रवि रीच द ग्राउंड ऑन टाइम? यस ही डैश ऑन टाइम। क्या आएगा बेटा इसका? Reached. रीच्ड, रीच्ड, वेरी गुड। नेहा, डिड नेहा कैरी हर बैग? यस ही She carried. कैरीड, वेरी Carried. कैरीड, यस। अंडरलाइन द करेक्ट वर्ड इन द ब्रैकेट्स। शी डैश द ब्लैक बोर्ड विद द डस्टर। क्लीन क्लीन नहीं आएगा बेटा, क्यों? क्योंकि क्लीन सिंगुलर, क्लीन सिंगुलर क्लीन्ड, क्लीन्ड आएगा। क्यों? क्योंकि क्लीन के साथ एस नहीं लगा हुआ। अगर ही है तो क्लीन के पीछे एस चाहिए, एस सॉरी एस चाहिए, तो क्या बनेगा? क्लीन्ड। वैसे भी ऊपर गिवन है कि हमने पास्ट में ही बनाना है। वी डैश द हॉलीडेज लास्ट वीक। हंड्रेड एंजॉयड एंजॉयड। ही डैश ऑल वीकेंड। स्टडीड। स्टडीड, वेरी गुड। मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। इसे देखो, सिंपल पास्ट, ये कौन, ये भी किस में बनाना है? पास्ट सिंपल में। द शो डैश एट 10:30। बिगिन की सेकंड फॉर्म क्या होगी?
बिगिन की सेकंड फॉर्म बिगन मैम बिगन BEGAN Children dash the ball. Threw. Threw. They dash their house next to the river. क्या आएगा बेटा इसमें Build. Build. I dash a pair of shoes last Black Friday. Bike की second form. Bought. Bought. He dashed the bus number 43. Catch. Catch की second form क्या होगी? Yes, बेटा speak up. कौन सा मैम? Fifth बेटा fifth one. Catched. Caught. C O U G H T. Caught मैम. Caught. Caught बोलना है इसी. Mary dashed from Manchester. Came. 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 My new mobile number dash 130 euros. Cost. 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 Cost होते हैं. Costed. Costed. Costed होता है. क्या होगा बेटा? Cost. ठीक है. We dash 2 liters of water yesterday. Drink. Drank. Drank. Peter dashed his car to Denver last month. Driven. Drove. Drive. Drove. Driven. Drove होती है ना second form तो क्या आएगा? Drove. Drove. The family dash a big turkey for lunch last Thanksgiving. Eat. Eat की second form क्या होगी? Eat. Eat. NG dashed down the stairs last night. क्या आएगा बेटा? Fell. Fell. They dash very sorry about the accident they caused. क्या आएगा? Feel का. Feel का क्या बनेगा? Yes. Felt. You dash on the floor. You dash on the floor. Sat. Yes. I dashed from Madrid to London last year. Fly का क्या आएगा? क्या आएगा बेटा fly का? Fled. Flew. Flew. Why flew flown? They dash up late yesterday. क्या होता है गेट का व्हाट वेरी गुड नेक्स्ट ये भी सेम काइंड के हैं सिंपल पास्ट आवर चिल्ड्रन डैश आउट फॉर वॉक गोइंग सिंपल पास्ट बनाना है गोइंग तो आपने जेरंड बना दिया गो नो क्या होता है गो वेंट गॉन वेंट आएगा वेंट आउट फॉर वॉक Your father dashed the car last week. क्या आएगा बेटा repair की second form? Repaired. Repaired. His son dash a song. उसके father नहीं गाते तो मैंने क्या बोला था second form जो past का negative बनाना हो तो कैसे बनेगा did? Sang. Did? His, हाँ did not sing did के साथ first की first form ही रह जाएगी तो क्या बन जाएगा did not sing not sing her mother dash the goldfish catched मैंने पहले भी बताया था catch ma'am my parents dash to watch the film last night negative में है तो क्या लग जाएगा Did not want. हाँ, didn't want. I dashed too tired to do something yesterday. Although this might. Yes. B. Gained, ma'am. B. B का मतलब क्या होता है? सिर्फ helping verb लगेगी. I was. Peter dash an Englishman at Dover.
Meted. Meet come second form met. My parents dash be at home last Sunday. Didn't be. Didn't was. Didn't at home. My sisters dash Mike yesterday evening at the party. Negative me hai. Did not see. Didn't see. Steve and Elise dash house last year. Move. Move ki second form. Moved. Move. I dash to leave my last school. Didn't want. My friends dash home very early. What? It dash on Saturday. Didn't rain. Peter dash at school last week. Didn't. John dash his school bag. Have ki second form? Had. You dash at home last night. Helping verb लगेगी बस be या तो only simple form लगेगी verb. She dash to the sports center. She didn't go. Didn't go. Okay. Next. इसमें क्या आएगा बेटा देखो या तो simple present या present continuous या फिर simple past. सिंपल प्रेजेंट कहाँ पे लगाते हैं किसी की हैबिट के लिए किसी की रूटीन बताने के लिए कंटिन्यूअस जो काम पर्टिकुलर टाइम के ऊपर हो रहा होता है सिंपल पास्ट जो पास्ट में हो चुका हो वेरी सिंपल तो फर्स्ट सेंटेंस देखो लास्ट ईयर आई डैश द प्रेडो म्यूजियम इन स्पेन तो क्या आएगा इसमें लास्ट ईयर मतलब पास्ट की बात हो गई तो कौन सी वर्ब आएगी इसमें वर्ब अपने खुद से बनानी है लास्ट ईयर आई डैश द प्रेडो म्यूजियम इन स्पेन क्या किया आपने वहां वर्ब फिल करो इसमें क्या आएगा बेटा इसमें विजिटर एंजॉयड हाँ एंजॉयड भी आ सकता है विजिटर भी आ सकता है माइकल डैश शोसर इन द स्टेडियम लाइट नाउ अभी वो काम हो रहा है नाउ आ गया तो क्या आएगा कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस में क्या लगता है इज एम आर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी तो क्या आएगा माइकल यस बेटा कॉन्टिन्यूस में बनाओ इसे माइकल इज प्लेइंग थर्ड जॉन माइकल्स ओ मेली डैश योर रूम नाउ नाउ आ गया तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है इसे कंप्लीट करो सेंटेंस को जॉन माइकल क्या कर रहे हैं अभी वो इज हाँ इज के बाद हेल्पिंग वर्ब भी लगेगी इज वर्ब भी बनाओ इज गोइंग योर रूम नाउ दे डैश टीवी सैटरडे नाइट मतलब हर सैटरडे को हैबिट हो गई तो कौन सा बनेगा सिंपल प्रेजेंट इसमें क्या लगेगा दे डैश टीवी क्या करते हैं वो वॉच यू डैश ऑन द फोन लास्ट नाइट मतलब पास्ट की बात है तो सिंपल सेकेंड फॉर्म लगेगी वर्ब की तो क्या आएगा यू डैश ऑन द फोन लास्ट नाइट सेकेंड फॉर्म लगा के इसको कंप्लीट करो सेंटेंस को यू डैश ऑन द फोन लास्ट नाइट एक मैम यू कॉल्ड भी आ सकता है कि आपने कॉल की थी सुजान एंड आई द डिशेज एवरी डे हैबिट है ये उसकी क्या करते हो आप डिशेज को डेली क्या आएगा कुक ओके एट्थ इन 2010 मैरी डैश अराउंड द वर्ल्ड विद हर फैमिली वो गई थी पास्ट की बात है 2010 की बात है तो क्या आएगा मैरी वेंट यस एज वी स्पीक माई सिस्टर डैश द विंडो इन हर रूम जैसे ही मैं बोलती हूँ या बोल जैसे ही हम बोलते हैं वो सिस्टर वो जो मेरी सिस्टर है वो विंडो ओपन कर लेती है रूटीन है उसकी तो कौन सी वर्ब आएगी माय सिस्टर ओपन ओपन्स सिंगुलर है तो ऐसा लग जाएगी पीछे ओपन्स
On Mondays, my dad dash from 9 to 5. Monday को मेरे dad 9 to 5 क्या करते हैं, क्या आएगा? Simple present आएगा इसमें. Yes, बेटा. क्या आएगा? Can I take? Works, काम करते हैं 9 to 5. I can't go you with now. Right now, I dash the house. क्या आएगा? मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं जा सकता. I dash the house. क्या आएगा बेटा इसमें? क्या आएगा बेटा इसमें? इस बाकी स्टूडेंट्स भी ट्राई करो. मनपिंदर, नूरप्रीत, ऋषभ, महकनूर, सारे बच्चे ट्राई करो. क्या आएगा इसमें? किसमें? 11th. I can't go with you to the game right now. अभी मैं खेलने नहीं जा सकता तुम्हारे साथ. I dash the house. I am reading. Reading? Reading the house. घर को ऐसे रीड करेगा वो. और कुछ आएगा? ध्यान से देखो. I dash the house. I am working. I go to the house. मैं घर जाता हूँ. On September 15, John's Gutenberg dash the printing press. Past है, present है? कौन सा है ये? Past. Past है. तो क्या आएगा? Past में क्या लगता है? Yes, बेटा. Went. Yes. The children dash the recess at 10:30 every day. कौन सा tense है जी? Simple present. Simple present. Yes, बेटा. Yes. चलो ये सेंटेंस कल पूछा जाएगा आपके आपसे. तो सभी ने इसे कोशिश करनी है कैसे बनेगा. नेक्स्ट बनाओ. द चिल्ड्रन, वेयर इज योर ब्रदर? ही इज हिज फेवरेट टीवी शो इन द लिविंग रूम. कौन सा टेंस है? पहले मुझे टेंस बताया करो बेटा. प्रेजेंट कंटिन्यूअस मैम. हाँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस. तो क्या आएगा? क्या कर रहे हैं वो? अपनी फेवरेट मूवी देख रहा है. वाचिंग. हाँ, ही इज वाचिंग. वेरी गुड. नेक्स्ट, यस्टरडे वी डैश लंच फॉर एवरीवन. टेंस कौन सा है? पास्ट. पास्ट है? नो, पास्ट नहीं है. एवरीडे, एवरीवन. हाँ, पास्ट है. यस्टरडे पुरानी बात हो गई, कल की, पास्ट की. तो क्या आएगा बेटा इसमें? वर्ब की सेकंड फॉर्म. एंजॉयड. नो, एंजॉयड कैसे? आपके दूसरों के लिए लंच कैसे एंजॉय कर सकते हो? और आएगा तो ध्यान से देखो. ईटेड. ईटेड नहीं होता. क्या होता है? एट होता है. ईटेड. ईटेड. एट नहीं होता बेटा, ईट होता है. ईट, एट, ईटन. मैम, प्लांट. बोलो. प्लांट. यस, वी अरेंज्ड, वी कुक्ड, मेड, कुछ भी आ सकता है. ओके बेटा, तो वी स्टॉप हियर. कल और एक्सरसाइज करेंगे टेंस की. ऐसे ही आप आज आपकी तरह टेस्ट होगा. सभी को क्लियर हो गए जो आज करवाया? यस मैम. यस मैम. कोई डाउट है? नो मैम.
आ गया सभी को सारा? Yes, ma'am. Okay. कुछ है कोई डाउट? सही बच्चों ने क्लास एंजॉय की? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, बेटा. वेरी गुड. सभी का टेस्ट बहुत अच्छा था. वेल डन. कल इसकी और प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है, थोड़ा टेंस की रिवीजन करके आना सभी बच्चे. अब अपने अटेंडेंस मार्क करो. ओके मैम. मनपिंदर महक न्यू नोटबुक. ठीक है बेटा, ये तो ऐसे 5 स्टूडेंट्स हैं, 4 ही हैं. ओके बेटा, यू मे लीव. वी विल मीट टुमारो एंड वी विल डू मोर प्रैक्टिस ऑफ टेंसेस. ओके बेटा, गुड बाय टू ऑल.